Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा को 9 जुलाई यानी कि शनिवार को अपना जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया है। दरअसल नोएडा पुलिस ने गौरव को सार्वजनिक जगह पर भीड़ जुटाकर अव्यवस्था फैलाने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बॉडी बिल्डर और कमर्शियल पायलट रहे गौरव तनेजा के सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। जानकारी के मुताबिक गौरव के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए उनकी पत्नी रितु राठी तनेजा ने नोएडा मेट्रो पर कोच बुक कराया था। रितु राठी खुद यूट्यूबर और पायलट हैं, ऐसे में वो अपने प्रशंसकों के साथ उनका गौरव जन्मदिन मनाने नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर पहुंची थी। इस कड़ी में गौरव का बर्थडे सेलिब्रेशन नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर हीरा स्वीट्स के पास हुआ। बड़ी फैन फॉलोइंग वाले यूट्यूबर गौरव तनेजा के प्रशंसक इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे कि मेट्रो स्टेशन के आसपास भीड़ जमा हो गई। इसके अलावा सड़क जाम होने के चलते आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब सूचना स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे तो गौरव तनेजा को धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि गौरव तनेजा के जन्मदिन के एक दिन पहले ही उनकी पत्नी रितु राठी ने एक सरप्राइज पार्टी की योजना सार्वजनिक कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जन्मदिन मनाने वाली जगह का पता डाल दिया था। साथ ही उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी इस सेलिब्रेशन में शामिल होने का आग्रह किया था। अब इस घटना के बाद नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर जमा हुए प्रशंसकों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद गौरव की पत्नी रितु ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर जानकारी साझा की कि गौरव का जन्मदिन समाजों कुछ निजी कारणों के चलते रद्द कर दिया गया है। बता दें कि गौरव तनेजा वर्तमान में वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। गौरव यूट्यूब पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर हैं। वो बॉडी बिल्डर और कमर्शियल पायलट भी रह चुके हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.